हाँ जी बेटा जी देखो ये निकाल लो सभी बच्चे। इससे पहले कि आपने सारी करवा दी है वर्कशीट। हाँ जी बेटा, फर्स्ट 5 कंप्लीट, 4 कंप्लीट करवा दी है बेटा। फर्स्ट 4 करनी है, बाकी आपने करनी है खुद, ठीक है? 4 तक मैंने करवा दी है बेटा वर्कशीट आपको, ठीक है? मैम वो ग्रुप में आपने भेजी हुई है? अच्छा हाँ जी बेटा, प्रिया मैम ने भेजी हुई है ग्रुप में। मैम, आप हमें डेट बता दो मैम, कौन सी डेट को भेजी मैम ये डेट बता दो। अच्छा शायद बेबी में भी 4 मई लिखा हुआ है यहाँ पर, थर्सडे, मैम, ठीक हमारे है? मैम 3 तक तो मैम कंप्लीट है, बाकी पेंडिंग है अभी। हाँ जी बेटा, 4 वाली भी करवाई हुई है आपको असाइनमेंट, ठीक है? वर्कशीट जन की, तो जो 5 ओके वाली है बेटा, 5 वो आपने करनी है, 5, 6 ये आपने खुद असाइनमेंट करनी है, ठीक है? 4 तक हम करवाएंगे, बाकी आपने खुद ओके करनी है। ओके बेटा, ओके ओके। ओके मैम। हाँ जी, क्योंकि खुद आप सम करोगे, आपने देखो चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए, बाकी आप खुद करोगे ना, खुद को आएंगे, मैम ये लेकिन चैप्टर के बीच में सी है वर्कशीट। हाँ जी बेटा देखो, बेटा अभी आपकी वर्कशीट है जो अभी हम 9 करेंगे, ठीक है? फ्रैक्शन 2 चैप्टर की, ठीक है? हम फर्स्ट 4 मैं करूंगी, करवाऊंगी आपको, ठीक है बेटा? जो आपको रिवीजन करवाऊंगी, बाकी आपने 4 खुद करनी है। ओके बेटा, ओके मैम। हाँ जी, चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अभी। देखो कल हमने किया था बेटा, चॉइस द करेक्ट आंसर, हाँ जी बेटा देखो कल हमने किए थे चॉइस द करेक्ट आंसर्स फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन 4 ऑपरेशंस इन द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ठीक है? 1 to 16, इनमें से हमने क्या करना था बेटा, क्वेश्चन टिक करने थे, एमसीक्यूज दिए गए हैं आपको। देखो बेटा क्या है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इन्होंने पूछा है प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है, कौन सी है? इसमें 4/5 है, जब 5/4 है, जब 1 1.1 एंड 1.4 है, 4 है, ठीक है? डी ऑप्शन 9/2 है, ठीक है? इसमें बेटा सबसे 4/5 हाँ जी बेटा, इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, 4/5 इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा? ये मैंने आपको कल कर बताया था, ठीक है, रीजन। ओके बेटा, तो नेक्स्ट सम है जो मैंने कर कर बताया था, इसका ऑप्शन क्या है? देखो 4 - 7/8 है, ठीक है? ये दिया गया है आपको क्वेश्चन, 4 - 7/8। ओके बेटा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 3 1/8। ओके बेटा, ये हमारा ठीक आंसर आया था, ठीक है? जो 3 सम था बेटा, वो मैंने आपको खुद करने के लिए बोला था। ओके बेटा, तो देखो आज हम करेंगे 3, मैं आपको ठीक है कर कर बताती हूँ 3 का आंसर, ठीक है? थर्ड सम पे थे हम, ठीक है? तो देखो बेटा हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी गई है, थ्री सम की स्टेटमेंट दी गई है बेटा। मैम आवाज कम आ रही है वो। बेटा अभी आ रही है? मैम यस। अभी आ रही है? देखो बेटा मेरी आवाज सभी को। यस यस मैम मैम। यस। ओके बेटा, तो देखो बेटा हम क्या करेंगे आगे, देखो हमारे पास इक्वेशन दी गई है 1/2, ठीक है? ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। ओके बेटा, तो इनटू के प्लस क्या है बेटा, 3, ठीक है, 1/3। ओके बेटा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। देखो 2 को 2 के साथ क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, 2 2 का 4, ठीक है? 2 2 का क्या हो गया बेटा, 4। 2 को 2 के साथ क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, 2 2 का 4। मल्टीप्लाई हाँ जी बेटा, 4 में से हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, प्लस ऐड कर प्लस देंगे हाँ जी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या 5/2।
फाइव अपॉन टू। ओके बेटा ये आ गई थी स्टेटमेंट हमारे पास। और बेटा देखो नेक्स्ट क्या आ गया था, टेन ओवर थ्री, थ्री अपॉन द थ्री, थ्री का मतलब टेन ओवर, ठीक है मैम, थ्री टेन ओवर प्लस वन टेन, टेन ओवर थ्री, माफ इसके डिनोमिनेटर सेम करनी है। हाँ जी बेटा, फिर हमने क्या लेना है इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम, ठीक है एलसीएम क्या आएगा बेटा इसका, बोलो मैम, सिक्स आएगा, सिक्स आएगा, सिक्स को फिर हमने टू से क्या करनी है डिनोमिनेटर के साथ बेटा क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, टू को हमने सिक्स के साथ क्या करना है बेटा डिवाइड, तो क्या आएगा बेटा मैम डिवाइड, हाँ जी तो टू का थ्री, हाँ जी थ्री, फाइव थ्री का क्या आएगा बेटा फिफ्टीन, मैम फिफ्टीन, ठीक है बेटा ये आ जाएगा सभी का, ठीक है साथ साथ में बेटा अपनी अपनी कॉपीज खुद भी करो, ठीक है ठीक है, फिर साइन बेटा प्लस का है इसमें, फिर हमने क्या करना है थ्री को हमने सिक्स के टेबल पे आता है डिवाइड करना है, सिक्स को थ्री के साथ डिवाइड किया तो हमारा क्या आया बेटा टू आया, टू को हमने किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है टेन को, ठीक है टेन को मल्टीप्लिकेशन करके क्या आया बेटा ट्वेंटी आया हमारे पास, कितना आया बेटा ट्वेंटी, ओके बेटा 20 आ गया, तो देखो तो 15 में 20 ऐड किए तो हमारे पास कितना आया बेटा 35, अपॉन 6, ओके बेटा, बट ये को हमारा आंसर ये आ गया, बट इसमें तो ये आंसर आ नहीं रहा, तो हम इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको हम क्या डिवाइड कर देखेंगे, ठीक है मैंने आपको कल भी करके बताई थी डिवाइड, ठीक है डिवाइड करनी है सिक्स को किसके साथ डिवाइड करना है बेटा 35 के साथ डिवाइड करना है बेटा, किसके साथ करना है 35 के साथ, ऐसे आपने डिवाइड करना है, सिक्स के टेबल में 35 तो आता नहीं है, ठीक है सिक्स वन का सिक्स, सिक्स टू का 12, सिक्स थ्री का 18, सिक्स फोर का 24, सिक्स फाइव का 30, ओके यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा यहाँ पर, excuse me ma'am, हाँ जी बेटा मैम इसको दूसरे मेथड से भी कर ले सकते हैं ना, हाँ जी बेटा कर सकते हो वो आपकी इच्छा है, ठीक है तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा देखो 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 5 पर गया तो यहाँ पर 5 आ जाएगा यहाँ पर, ओके बेटा मैम देखना ये ऐसे मेथड से कर सकते हैं बेटा, आप मुझे पिक भेज दो यहाँ पर ऐसे दिख नहीं रहा मैम, ओके ठीक है, तो बेटा यहाँ पर 30 आप सभी का 35 ही आया ना, 35 अपॉन 6 ही आया ना बेटा मैम, यस, तो बेटा आपका रिमाइंडर कितना आया, हाँ जी बोलो बेटा मैम, इसका रिमाइंडर है 30, हाँ जी बोलो बेटा क्या है जल्दी बोलो बेटा, कौन बताएगा, आप बताओगे तभी होगा, ऐसे में हम क्या इसका आंसर हम क्या बताएं, इसका डिवाइड कर बोलो बेटा रिमाइंडर कैसे लिखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ कौन बताएगा, इसकी यहाँ तक तो मैंने कर दिया तो इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन बताएगा, ये तो आपका काम था ना, मैम 5 आ रहा है इसका रिमाइंडर, 5 आएगा इसका रिमाइंडर 5, तो ऑप्शन कौन सी आएगी इसमें से, ऑप्शन है कोई इसमें, बोलो बोलो बेटा, हाँ जी अविरीत बन,
अभी रीत बताएगी। कोमल आप बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा, क्या कौन सी ऑप्शन आएगी इसमें से? मैम इसमें से ऑप्शन कौन सी आएगी बोलो। बोलो बेटा। मैम पता नहीं चल रही इसमें से तो। क्यों नहीं पता चल रही बेटा? देखो क्या गलत, कुछ गलत किया होगा। देखो मैम हम बताएं। हाँ जी बताओ बेटा। हम दोबारा से सॉल्व करके देखते हैं इसको। अच्छा तो ये बताना था आपने है? करो करो बेटा सॉल्व करो, ऐसे ही करोगे तभी आएगा आपको, ऐसे तो आएगा ही नहीं। ठीक है करो, कोई बात नहीं, सॉल्व करके देखो बेटा, मुझे बताओ तभी मैं देखूंगी ना। हम आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, आवाज कैसे आएगी? बोलो बेटा गिव मी आंसर। मैम ऑप्शन कौन कौन सी है? हाँ जी बेटा, इसकी ऑप्शन है 6/37, 11/3, ठीक है बेटा, जस्ट 6/6। मैम मैम 6/1/6 आएगी। कैसे? वो कैसे आएगी बेटा इसकी ऑप्शन? हाँ जी मैम पेज नंबर कौन सा है? थर्ड वन। हाँ जी बेटा मैं आपके साथ ये वाला आपकी असाइनमेंट बेटा है मैम, थर्ड वाले की तो यही आएगी मैम 6/1/6। फिर निकाल कर भी दिखाओ, आपको कैसे पता चला? निकाल को सम तो आ नहीं रहा, आंसर तो आ नहीं रहा। चुप करते हो बस। मैम पहले 5/2 को मैम डिवाइड करना था, अगर 6 आए तो मैम 3 के साथ कर कर मैम ऊपर 15/6 आ गया, उसके बाद मैम 10/3 को डिवाइड करा था मैम 6 के साथ, तो मैम 2 के साथ डिवाइड हुआ 20/6 आ गया। हाँ जी बेटा, बेटा आपने ऐसे समझ किए हुए हैं ये मैम? यस सभी बच्चों ने मैम सभी बच्चों ने बेटा ऐसे सम करवाए हुए हैं सभी सम। एक मिनट बेटा मैम, हमने तो रुपिंदर मैम से समझे थे। कौन सा आंसर आएगा इसमें से? और मैम हम बताएं। हेलो हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? मैम यस। हाँ जी हाँ जी बेटा, हुआ सम हुआ? हमारा तो यही आ रहा है। ऐसे कैसे आ रहा है बेटा मुझे तो? और किसी बच्चे का बेटा? अभी देखो बेटा, साथ में सभी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है? गलती कहाँ पर है बेटा? देखो ध्यान से अच्छे से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा?
टू है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या है टू है, ओके बेटा स्टेटमेंट पे क्या है टू है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। ये किसी ने नहीं बताया अभी, आप मैम स्टेटमेंट गलत लिख रहे हो, अभी पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही बेटा देखो, आप अच्छे से देखकर नहीं कर रहे, सिक्स वाले बच्चे ना वो इतना इतना जल्दी कैरी करते हैं, वो ना पता क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट देखो बेटा हम लिख रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट नहीं दिख रही, तो आपने बेटा मुझे ही बताना है ना भाई, ये मैम आप गलत लिख रहे हो, मैंने यही चीज देखनी थी बेटा, ठीक है। तो देखो सीसी का क्या होता है बेटा, नाइन, ठीक है, नाइन में से जब हमने टू ऐड किए तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, इलेवन, इलेवन बेटा, इलेवन आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया देखो बेटा अच्छे से, इसका रिमाइंडर किस एलसीएम क्या आ गया बेटा, सिक्स एलसीएम आ गया, ठीक है, तो सिक्स को टू से डिवाइड किया तो हमारे पास बेटा, हाँ जी बोलो बेटा, हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या कितना आया, जब हमने सिक्स को टू से डिवाइड किया तो हमारे पास बेटा कितना आया, थ्री आया, ठीक है, थ्री को हमने फाइव के साथ किया तो फिफ्टीन आया, ओके बेटा फिफ्टीन, ओके बेटा फिफ्टीन आ गया हमारे पास, फिर क्या आ गया प्लस की साइन है, फिर टू के यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, हाँ जी बेटा यहाँ क्या आएगा ट्वेंटी टू, 22, हाँ जी, हाँ जी बेटा, फिर क्या आया, मैम 37, हाँ जी मैम 37 ओवर 37 अपॉन 6, ठीक है, यहाँ तक आ गया बेटा। तो आगे देखो बेटा हमारा क्या आएगा, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा, तो हमने किसको सिक्स के किसके साथ डिवाइड करनी है बेटा, 37, 37 के साथ, ठीक है बेटा, यहाँ पर 37 आ जाएगा, ठीक है, 37 का 36 का 36 होता है बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, कहाँ पर क्या ये सिक्स पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस वन, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। देखो जब हम बेटा आगे देखो, ये हमारा क्या है डिवाइडेड, इसको क्या बोलते हैं हम सिक्स को जिसके साथ डिवाइडेड बोलते हैं उसे डिवाइडेड, ये हमारा क्या है बेटा जो वन बचा ये हमारा क्या है रिमाइंडर है, ये क्या है बेटा हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, और बेटा ये हमारा क्या है क्वेश्चन डिवाइडर है, हाँ जी ये क्वेश्चन मैम क्वेश्चन, हाँ जी बेटा ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा बेटा, वन सिक्स अपॉन वन अपॉन सिक्स, जो हमारा वन क्या है रिमाइंडर, मैम मैम आपकी आवाज मैम रुको बेटा रुको मैम आपके बाद दो दो बार ही आ रही है, अभी एक बार आ रही है बेटा, हाँ जी कोमल अनम्यूट होकर बताओ बेटा, अभी एक बार आ रही है कोमल अनम्यूट हो मैम, यस अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज बेटा मैम, यस हाँ जी बेटा, तो देखो यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर हम लिखते हैं और जो हमारे जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं ठीक है वो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको हम साइड पे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ओके बेटा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा बेटा, इसका राइट ऑप्शन सी आएगा, ठीक है, थर्ड का राइट ऑप्शन बेटा सी में टिक कर लो आप, ठीक है, अभी समझ में आ गया बेटा यहाँ कहाँ पर मिस्टेक थी हमारी, यस मैम स्टेटमेंट में, हाँ जी, तो बेटा सभी बच्चे ने अच्छे से ध्यान रखना है, मैं ऐसे ही गलत स्टेटमेंट डालूंगी क्योंकि बेटा आप अच्छे से तभी करोगे, ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट बेटा देखो हमारे पास क्या है, सी फोर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, हाँ जी क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास बेटा, एक थ्री इफ वैल्यू बतानी है हमने, थ्री
इंटू 3 × 47। ओके बेटा, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब हमने इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, ए के इक्वल है, ठीक है। तो हमने इसको कैसे करना है सॉल्व, हाँ जी हैंड राइज किसने किया था अभी बेटा, सभी बच्चे ये साथ में सम निकालो। हाँ जी हर्ष अनम्यूट हो जाओ बेटा, हर्ष अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी हर्ष क्या प्रॉब्लम है बेटा, अनम्यूट हो जाओ हर्ष। हाँ जी हर्ष बोलो बेटा, करो बेटा अपने आप को अनम्यूट। हाँ जी बेटा करो अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी हर्ष बताओ क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको, जल्दी बताओ बेटा। हाँ जी हर्ष अनम्यूट हो जाओ बेटा, हर्ष अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी बताओ बेटा। मैम पहले वाला सम लास्ट से बता दो मैम, पहले वाले में बेटा लास्ट सम में बेटा क्या करनी है, हमने जो हमारा आंसर आया ना उसको डिवाइड करना है हमने, ठीक है। हमारा आंसर कितना आया था, 37 को हमने 6 के साथ बेटा डिवाइड करना है, ठीक है। ओके हर्ष, ओके ठीक है, डिवाइड कर कर जब आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके तो बेटा नेक्स्ट देखो। हाँ जी बेटा, किसी ने अपने आप को अनम्यूट, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। जिसकी टर्न आएगी उसको पूछा जाएगा, किसी ने अपने आप को म्यूट में अनम्यूट नहीं करना। हाँ जी नेक्स्ट देखो सम बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो देखो इसका हमने ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम कैसे बताएंगे इसकी, हाँ जी सिमरनजीत अनम्यूट हो जाओ सिमरनजीत। हाँ जी बताओ बेटा इसकी वैल्यू कैसे क्या करेंगे इस सम का, सिमरन अनम्यूट हो जाओ बेटा। हाँ जी सिमरन बोलो बेटा, हाँ जी यशदीप अनम्यूट हो जाओ, यशदीप आप बताओ, यशदीप अनम्यूट हो जाओ बेटा, यशदीप शर्मा, यशदीप अपनी वीडियो ऑन करो बेटा। यशदीप हाँ जी, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा बोलो बेटा, सम बताओ आपको करने के लिए बोला था। रोहित आप बताओ बेटा क्या करेंगे बेटा इसको, हाँ जी कोई आंसर नहीं दे रहा, किसी को नहीं पता। कोमल अनम्यूट हो जाओ, कोमल यस आप बताओ इसका कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, यस बताओ बेटा कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम। बोलो बेटा मैम, इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ जी ए की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे हम मैम,
मैम। हाँ जी बोलो बेटा। देखो बेटा इसमें क्या बात है। हाँ जी बेटा सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, 4 को 12 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 थ्री का 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा, 7। ओके बेटा, 12 अपॉन 7 वैल्यू आएगी ए की। बट देखो बेटा इसका क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू तो यहाँ पर ऐसी कोई है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, जैसे हमने पहले डिवाइड किया था 12 को हमने 7 के साथ, उसी तरह क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। ओके बेटा, 12 को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है किसके साथ, ठीक है, किसके साथ डिवाइड करना है आपने, 7 के साथ। 7 1 का 7, 7 2 का 14 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 7 1 का 7। ओके बेटा, तो देखो 7 में से जब हमने 12 माइनस, तो कितना आया बेटा हमारे पास, 5, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। तो देखो हमारे पास बेटा रिमाइंडर कितना आ गया, हमारे पास रिमाइंडर, हमारे पास बेटा 5। हाँ जी, तो हम इसको कैसे लिखते हैं देखो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। 5 7 1 समझा देती हूँ बेटा, इसमें कुछ नहीं, किस कहाँ से पूछना है बेटा आपने, बोलो कोमल। मैम अगर मैम वो 12/7 आ गया, उसके बाद उसको डिवाइड कर ही देखना है। हाँ जी बेटा, देखो इसका तो आंसर ऐसे तो आ नहीं रहा, कोई ऑप्शन है 12/7, तो ऑप्शन है नहीं मैम, नो। तो आप, हमने बेटा ऐसे क्या करना है, डिवाइड करना है इसको, ठीक है। जब देखो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्वेश्चन कितना आया बेटा, जब हमने डिवाइड किया तो क्वेश्चन हमारा क्या आया, 1 1 बेटा। तो रिमाइंडर कितना आया हमारा, 5 5, ठीक है। डिवाइडेड 5/7 7, तो 5/7 क्या आएगा बेटा, 7 7, ठीक है, ये 5। यस ओके बेटा, देखो जो 4 सम है बेटा हमने ऐसे करना है, ठीक है। तो जो थर्ड है देखो, जो फिफ्थ सम है बेटा, वो आपने खुद निकाल कर देखना है। जो एक्सरसाइज आपने बेटा अपने वर्कशीट ये 9 पूरी सॉल्व करनी है कल को, ठीक है। आपका बेटा यहाँ पर मैंने आपको भी, मैं आपको बताऊंगी, बट आपने भी इसके आंसर साथ साथ में करनी है, ठीक है। ओके बेटा, तो बेटा देखो ये सब आपने करना है। देखो 3/4 ऑफ किसे कहते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन को। यहाँ पर ऑफ लिखा हो तो उसका साइन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या है बेटा यहाँ पर, क्या दिया गया है, 16। ओके बेटा, ये हमारे पास सम है, इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो देखो बेटा इसको कैसे, फिफ्थ सम को कैसे सॉल्व करेंगे हम, 4 के टेबल में 16 आता है ना, 1 का 4, 4 2 का 8, 4 3 का 12, 4 4 का 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 4। आगे कितनी स्टेटमेंट बची, 4 और 3 को क्या करना है बेटा, हमने मल्टीप्लाई, 4 3 का मल्टीप्लाई, हाँ जी 4 3 का 12, 12 इज द राइट आंसर। ओके बेटा, मैम यस, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा बेटा, 12 आएगा। आगे बेटा 6 से लेकर 16 तक समय आपने खुद कर देखने हैं। ओके बेटा मैम, ओके, वर्कशीट के मैं आपको लिख के दूंगी, ये आपका ये होमवर्क है, ठीक है। कल आपको इसकी और रिवीजन दोबारा से करवाई जाएगी, क्योंकि तो आपसे पूछा जाएगा भी आपके सम कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए हैं कि नहीं। ओके ओके बेटा मैम, ओके जानकी बेटा, और किसी को पर... मैम हाँ जी, होमवर्क क्या है बेटा, होमवर्क किसका है बेटा, ये असाइनमेंट जो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये आपने खुद कर देखनी है, ठीक है। जिसको बेटा कल मैं आपको ना ये दोबारा 6